राजभूषण चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। बीते दिन यानी कल 24 जून से इस सत्र की शुरुआत हुई है। 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाली है और कल सांसदों ने शपथ भी ली है। लेकिन अब आपको बता दें कि लोकसभा सत्र शुरू होने के साथ ही जो है वो एक कानाफूसी भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी के कई सांसदों ने बिना ईश्वर के नाम लिए ही शपथ ग्रहण किए हैं। जब इन्होंने बिना ईश्वर का नाम लिए शपथ ग्रहण किया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके चेहरे को देख रहे थे, साथ ही साथ संसद भवन में जो है वो कानाफूसी भी शुरू हो गई। दरअसल हम आपको बताते चलें कि 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। कई सांसदों ने संसद सदस्यता के रूप में सोमवार को शपथ ली है। इसमें बीजेपी के एक सांसद का शपथ लेना काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। नाम है राजभूषण चौधरी। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में ईश्वर के नाम के बजाय सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा के साथ शपथ लेकर अपनी पार्टी के कई सहयोगी को आश्चर्यचकित कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद चौधरी भाजपा के एक मात्र मंत्री थे जिन्होंने अपनी शपथ में ईश्वर का जिक्र नहीं किया। संसदीय शपथ के अनुसार सांसद या तो भगवान के नाम पर शपथ लेते हैं या सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि वे कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा से काम करेंगे। संसद के गलियारों में कानाफूसी यही थी कि चौधरी एक समाजवादी या एक कम्युनिस्ट के रूप में शपथ ली है जो अपनी शपथ में भगवान का जिक्र नहीं करते हैं। नई सरकार में 72 सांसदों को मंत्री बनाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राजभूषण चौधरी को भी नई मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। 46 वर्षीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कांग्रेस के अजय निषाद को करीब 2,34,927 वोटों से हराया। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी के राजभूषण चौधरी को 6,19,749 वोट मिले जबकि अन्य निषाद को 3,84,822 वोट मिले। राजभूषण चौधरी में सबसे अधिक वोट के अंतर से चुनाव जीतने वाले पहले नेता बनकर उभरे हैं। इस लोकसभा चुनाव में इनसे अधिक वोट के अंतर पर किसी भी नेता बिहार में चुनाव नहीं जीता है। राजभूषण चौधरी का जन्म 4 जुलाई 1977 को बेगूसराय में हुआ। वो ग्रेजुएट पास हैं और एक डॉक्टर भी हैं। बेगूसराय के कुंभी से मैट्रिक की परीक्षा पास कर समस्तीपुर के हसनपुर कॉलेज से इंटर ली। इसके बाद धनबाद के पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MD की डिग्री ली और अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सीनियर रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। राजभूषण चौधरी निषाद कुछ महीने पहले ही VIP पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की। मल्ला जाति से यही आए हैं, यही वजह है केंद्रीय नीति ने उन्हें मंत्री बनाकर इनाम दिया गया है। राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर के सकरा के पिलखी के ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टरी के अलावा अब पाश विकास संघ के लंबे समय से जुड़े हैं। 2017 में मुकेश सहनी के संपर्क में आए थे और उसके बाद राजनीति में आगे बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के इन सांसद की चर्चा जो है अब हो रही है क्योंकि इन्होंने शपथ लेने के दौरान मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं का जिक्र नहीं किया था। इसको लेकर जो है अब जो है चर्चाएं जो है वो जोर पकड़ रही हैं और सब कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने इस तरीके से शपथ क्यों नहीं ली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।